जो रेडियस में आएगा। सिंपल स्पिनर रोटेट कर सकते हैं, हमने फ्लावर लिए हुए हैं तो रोटेशन में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, हम सिंबल चेंज कर लेते हैं। गेट अ न्यू सिंबल, सिंबल स्प्रे, क्लिक टू ड्रॉप अ सिंबल, क्लिक। आप देख रहे हैं कि ये सारे कनेक्टेड। अगर मुझे एक नई आउटलाइन स्टार्ट करनी है, आई हैव टू डीसेलेक्ट इट फर्स्ट, देन गेट द न्यू सिंबल एंड देन स्प्रे अगेन, तो एक नई फैमिली बन जाएगी। खैर, मुझे सिंबल स्पिनर को यूज करना है, जस्ट गेट द सिंबल स्पिनर, उसको रोटेट किया जाए। सिंबल स्क्रीनर फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ स्वाचेस में से, सिंबल स्टेनर, मैंने ब्लू कलर स्वाचेस में से सिलेक्ट किया है, सिंबल स्टेनर, कलर स्टेन कर रहा है सिंबल स्टेनर। आप कोई और कलर सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर स्टेन होने लग, ग्रीन कलर में जरा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह सिंबल स्क्रीनर, उसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी, जहां जहां ब्रश हिट करेगा वहां वहां सिंबल्स की ओपेसिटी कम होती जाएगी। लास्ट में हमारे पास में मौजूद है सिंबल स्टाइलर, क्लिक किया तो एरर आता है कि जी पहले आप जाइए ग्राफिक स्टाइल्स में से, ग्राफिक्स स्टाइल पैनल से स्टाइल सेलेक्ट कीजिए। सो सिंपल, हम विंडोज मेन्यू में जाएंगे, लुक फॉर द जी ग्राफिक स्टाइल्स, मेरे पास यहाँ पे वर्क स्पेस का हिस्सा है, मैं इसको भी पॉप आउट करवा लेता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, जस्ट पुट इट देयर, जो भी ग्राफिक स्टाइल आपको चाहिए क्लिक करेंगे, जिस सिंबल में आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं सिंबल स्टाइलर क्लिक करते जाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। हमारे पास में डिफरेंट सिंबल्स मौजूद हैं, ये एआई के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, 3D सिंबल्स हैं, एरोज हैं, फैशन के अतबार से सिंबल्स मौजूद, आप नेविगेट कर सकते हैं और इनको अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह स्टाइलर्स AI लाइब्रेरी से एक्सेस किए जा सकते हैं।